वेलकम टू स्टडी खजाना। मैं तहसीन अहमल सद्दीकी। मैं आपको जेईई मेंस के लिए फंक्शन टॉपिक पढ़ाऊंगा और आगे हम लोग इसको देखेंगे। आप देखें, आपने जेईई जब फंक्शन हम शुरू कर रहे हैं, आपने रिलेशन फंक्शन नाम से जो चैप्टर है उसमें रिलेशन पढ़ा होगा, उसी में फंक्शन भी है। फंक्शन किसे कहते हैं सबसे पहले तो इसको देखेंगे। Function is a relation defined from one set to another set such that image of each element of first set uniquely present in second set, uniquely present in second set। दो सेट है, इसमें पहला सेट ये x1, x2, x3, y1, y2, y3, ये पहला फिगर है। फिर फर्स्ट सेट, सेकंड सेट, x1, x2, x3, y1, y2, y3, y4, फिर x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3, x4। फोर्थ फिगर x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3, x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3, y4, x1, x2, x3, y1, y2, y3, y4। ये आपको छह फिगर है। ये डिफिनीशन है आपका फंक्शन का। फंक्शन का डिफिनीशन है, फंक्शन इज अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट सच दैट इमेज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट यूनिकली प्रेजेंट इन सेकेंड सेट। दो पॉइंट इस पर ध्यान देना है, ईच एलिमेंट्स और दूसरा यूनिकली। पहला सेट है, ये फर्स्ट फिगर है, इसका पहला सेट, सेकंड सेट यहाँ से यहाँ तक डिफाइन है। ये सेकंड फिगर है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। फर्स्ट फिगर में आप देखें कि ये x का इमेज बनना है, x1 का y1, x2 का y2, x3 का y3। सेकेंड फिगर में x1 का y1, x2 का y2, x3 का y3, y4 ब्लैंक है। तो हमको ये देखना है कि फंक्शन इज अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट सच दैट इमेज ऑफ ईच एलिमेंट, इमेज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट के लिए इमेज बनना होगा। इस हिसाब से, इस पॉइंट के हिसाब से ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड गलत हो गया। थर्ड में x4 का इमेज नहीं बनना है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। मगर सेकेंड जो पार्ट है इसका यूनिकली प्रेजेंट इन सेकेंड सेट, उसके हिसाब से यहाँ पर x2 का दो इमेज है, y2 और y3, इसलिए ये गलत हो गया। तो ये चार फंक्शन जो चार फिगर है, ये चार इस डिफिनीशन के हिसाब से सही है कि पहले सेट के हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज मिलना चाहिए, एक से ज़्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। पहले सेट के हर एक एलिमेंट के लिए, पहले सेट के हर एक एलिमेंट के लिए अगर आपका एक यूनिक इमेज मिलता है तो वो फंक्शन है, और अगर नहीं मिलता है तो वो फंक्शन नहीं है। इस हिसाब से ये चार फंक्शन हो गए आपके। चार का अलग अलग नाम है, अगर सबका अलग अलग इमेज बनता है तो इसको कहते हैं 1-1। ये भी आपका 1-1 होगा। इसमें देखिए x1 का एक इमेज बनना है, x2 का भी एक इमेज बनना है, x3, x1, x2, x3 सब अलग अलग इमेज बनना है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे 1-1। मगर एक से ज़्यादा एलिमेंट का अगर एक इमेज बनता है तो इसको हम लोग कहते हैं many-1। जैसे ये फंक्शन जो है वो many-1 है, ये भी फंक्शन जो है आपका many-1 है। तो इसमें भी एक से ज़्यादा का एक इमेज बनना है, इसमें भी एक से ज़्यादा का एक इमेज बनना है, इसलिए ये भी many-1 है, ये भी many-1 है। अब जब दूसरा सेट फिल हो जाता है पूरी तरह से, एक भी ब्लैंक उसमें नहीं होता है, तो उस फंक्शन को हम लोग कहते हैं onto। यहाँ पर देखिए इसमें है onto, ये ब्लैंक है इसलिए ये onto नहीं होगा, यहाँ पर ब्लैंक नहीं है इसलिए onto होगा। ये भी फंक्शन जिस फंक्शन में सेकेंड सेट में एलिमेंट बच जाता है, खाली रह जाता है, इसको हम लोग कहते हैं इनटू। ये भी इनटू है, ये भी इनटू है। तो इस तरह से 4 काइंड्स ऑफ फंक्शन हुए, 1 1 ऑन टू, 1 1 इनटू, मेनी वन ऑन टू, मेनी वन इनटू। तो ये 4 फंक्शन है। इसी 4 फंक्शन पे पूरा डिटेल आप आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखें कि ये जो 1 1 ऑन टू है या मेनी वन ऑन टू है, मेनी वन इंटू, मेनी वन ऑन टू, ये सभी में फर्स्ट सेट जो है इसको हम लोग डोमेन कहते हैं। फर्स्ट सेट इज कॉल्ड डोमेन। फर्स्ट सेट इज कॉल्ड डोमेन। सेकेंड सेट जो आपका वाई का एलिमेंट वाला है, इस सेकेंड सेट को हम सभी के लिए को डोमेन कहते हैं। सेकेंड सेट is called codomain, and the image y in first set y1 y2 y3, second figure y1 y2 y3, third figure y1 y2 y3, y1 y2 y3, ये रेंज कहलाता है। तो रेंज किसको कहते हैं? सेट ऑफ इमेजेस। सेट ऑफ इमेजेस इज कॉल्ड रेंज। देखिए रेंज कहाँ पाया जाता है? रेंज कोडोमेन के अंदर पाया जाता है। Each element of range belongs to codomain. Each element of range belongs to codomain. Each element of range belongs to codomain. So range is the subset of codomain. Range is the subset of codomain. डोमेन के अंदर में ही रेंज पाया जाता है। इन ऑन टू मैपिंग रेंज और कोडोमेन इक्वल सेट हो जाता है। इन टू मैपिंग रेंज जो है स्मॉलर देन कोडोमेन होता है, यानी सबसेट होता है, इक्वल नहीं हो पाता है। इसीलिए हम लोग जो है रेंज को हम लोग कोडोमेन का सबसेट कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है रियल फंक्शन। रियल फंक्शन किसको कहते हैं? कोई भी फंक्शन का डोमेन और रेंज अगर रियल होता है तो उसको हम लोग रियल फंक्शन कहते हैं। जैसे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, अ फंक्शन इज सेड टू बी रियल is if it contains real domain as well as real range. अगर किसी फंक्शन का डोमेन और रेंज दोनों रियल हो तो उसको हम लोग रियल फंक्शन कहते हैं, अदरवाइज वो रियल फंक्शन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल fx इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस 3 है, अगर यहाँ x का वैल्यू 0 पुट किया जाए तो ये fx इसका हो जाएगा रूट अंडर माइनस 3, विच इज नॉट रियल। सो x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 इज नॉट अ डोमेन। सो डोमेन x एंड रेंज fx। तो हमको इसको तभी डिफाइन करना होगा जब हमारा x भी रियल हो और fx भी रियल हो। अगर दोनों रियल होगा तो हम इस फंक्शन को कहेंगे कि वो रियल फंक्शन होगा। अब हम देखेंगे x का वैल्यू 0 डालते हैं, x के वैल्यू को हम लोग डोमेन कहते हैं, मगर x के सभी वैल्यू को डोमेन नहीं कह सकते। x का वैल्यू 0 डालने पर ही नहीं आ रहा है, 1 डालने पर भी नहीं आ रहा है, 2 डालने पर भी नहीं आ रहा है, 3 डालने पर ये रियल नंबर आ रहा है। फर्स्ट x इजक्वल टू 3 डालने पर। तो ये है असल में स्क्वायर रूट के अंदर में, ये तभी रियल होगा जब इसका वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा। तो हम x के सभी वैल्यू को डोमेन नहीं कर सकते हैं, x के उसी वैल्यू को डोमेन कहेंगे जिसके लिए वैल्यू डिफाइन हो जाए, यानी fx डिफाइन हो जाए। तो हम लोग जो है डोमेन को जो डिफाइन करेंगे वो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ x फॉर विच fx will be real, fx will be real is called domain. यानी x के उसी वैल्यू को हम लोग डोमेन कहते हैं जिसके लिए हमारा fx डिफाइन हो। अगर हमारा fx डिफाइन नहीं होगा, fx रियल नहीं होगा, तो हम लोग उसको जो है डोमेन, x के उस वैल्यू को हम लोग डोमेन नहीं कहेंगे। जैसे देखें कि fx इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस 3 जैसे हमने लिया था, ये इसका डोमेन अगर निकालना होगा तो हम लोग लिखेंगे फॉर डोमेन fx विल बी रियल। fx विल बी रियल कब रियल होगा? व्हेन x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब x माइनस 3 यानी स्क्वायर रूट के अंदर में हम निगेटिव को डिफाइन नहीं कर सकते। स्क्वायर रूट के अंदर में अगर कोई निगेटिव वैल्यू होगा तो ये इमेजिनरी हो जाएगा, इसलिए जो है हमारा जो है एक्स माइनस 3 जो स्क्वायर रूट के अंदर में है इसको जीरो या पॉजिटिव होना पड़ेगा, यानी कि नॉन निगेटिव होना पड़ेगा। तो नॉन निगेटिव के लिए ये डिफाइन होता है। तो एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू जब जीरो होगा तभी ये डिफाइन होगा, दैट मीन्स कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इसका डोमेन यही होगा, डोमेन इज इक्वल टू होगा एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये डोमेन का डिफिनीशन हो गया, यानी एक्स का वही वैल्यू डोमेन कहलाएगा जिसके लिए हमारा एफ एक्स डिफाइन हो। एफ एक्स अगर रियल होगा, डिफाइन होगा, तो हम लोग कहेंगे कि वो फंक्शन रियल है, वो एक्स का जो है वैल्यू जो होगा उस वक्त वो डोमेन कहलाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेंज किसको कहते हैं? रेंज। उसी तरह से जैसे हमारा जो है एक्स रियल वैल्यू के लिए एफ एक्स डिफाइन था तो हम लोग एक्स को डोमेन कह रहे थे, उसी तरह से एफ एक्स के रियल वैल्यू को के लिए जो हमारा एक्स डिफाइन होगा उसको हम लोग कहेंगे रेंज। जैसे द वैल्यू ऑफ एफ एक्स फॉर विच एक्स विल बी रियल, एक्स विल बी रियल इज कॉल्ड डोमेन। अगर जो है y की जिस वैल्यू के लिए एफ एक्स के जिस वैल्यू के लिए हमारा x डिफाइन होगा, एफ एक्स के उसी वैल्यू को हम लोग जो है कहते हैं रेंज। जैसे फॉर एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। अब यहाँ देखते हैं फॉर रेंज हम लोग क्या करते हैं, एफ एक्स को y सपोज करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब x को y में कन्वर्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 5, यानी x इज इक्वल टू रूट वाई माइनस 5। अब यहाँ पर फिर ये स्क्वायर रूट के अंदर में है, स्क्वायर रूट के अंदर में तभी डिफाइन होता है, हम लोगों ने पीछे देखा कि ये जब हमारा नॉन निगेटिव होगा, यानी x विल बी रियल इफ y माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स y ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा आपको, y सच दैट y ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड y बिलोंग्स टू रियल। यानी हमारा जब y के जिस वैल्यू के लिए एफ एक्स के जिस वैल्यू के लिए हमारा x डिफाइन होगा, एफ एक्स का वही वैल्यू हमारा रेंज कहलाएगा, अदरवाइज वो रेंज में नहीं आएगा। इसमें हम लोग जो है लिखते हैं, जैसे हमने लिखा कि रेंज इज इक्वल टू y सच दैट y ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, y बिलोंग्स टू आर। इसको दूसरे तरह से हम ऐसे भी लिखते हैं y बिलोंग्स टू 5 टू आर। रेंज को हम लोग लिख सकते हैं रेंज 5 टू इन्फिनिटी। अब ये इंटरवल के रूप में लिखते हैं, हम लोग थोड़ा सा इंटरवल भी देख लें। इंटरवल आपके 4 तरह के होते हैं। एक आपको जो है क्लोज्ड इंटरवल ये है a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, दैट मीन्स इंक्लूडिंग a इंक्लूडिंग b, ये a है ये b है, इसको हम लोग लिखते हैं a टू b। ये हो गया क्लोज्ड इंटरवल। दूसरा है आपका क्लोज्ड ओपन इंटरवल। इसमें आपको क्या होगा, a लेस देन इक्वल टू x लेस देन b, दैट मीन्स ये a इंक्लूडिंग होगा, b इंक्लूडिंग नहीं होगा, a b, इसको लिखेंगे हम लोग ऐसे a b, और a और b स्मॉलर। इसके बाद तीसरा है आपका थर्ड वन ओपन क्लोज्ड इंटरवल। इसमें देखें क्या होता है, a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b, a ओपन b क्लोज्ड, a b और स्मॉल ब्रैकेट a और b। फोर्थ वन है आपका ओपन इंटरवल, दैट मीन्स a लेस देन x लेस देन b, ए भी एक्सक्लूडिंग बी भी एक्सक्लूडिंग, ए बी दैट मीन्स ए बी। इसमें हम आंसर लिखने में जैसे हमने लिखा था कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड y बिलोंग्स टू r, एंड हमने रेंज को लिखा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y लेस देन इन्फिनिटी ग्रेटर देन 5 यानी 5 to infinity। इसलिए इंटरवल का भी जानना ज़रूरी है। कभी आंसर इंटरवल के फॉर्म में रहता है, कभी हमारा जो है उस फॉर्म में रहता है, सेट के फॉर्म में रहता है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि रेंज और डोमेन कैसे निकालते हैं। तो रेंज डोमेन जो हमने निकाला, पहला fx = √√(x - 3) दिया, इसमें भी स्क्वायर रूट फंक्शन था। हमने जो रेंज निकाला उसमें भी fx = था x² + 5, इसके में हमको जो आया y x² + 5 यानी x = √(y - 5। दोनों ही कंडीशन में स्क्वायर रूट फंक्शन था। हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर रूट फंक्शन कैसा होता है, कब डिफाइन होता है, इसलिए हमको रेंज डोमेन जानने के लिए हमको नेचर ऑफ द फंक्शन भी जानना होगा। तो सबसे पहले उस नेचर ऑफ द फंक्शन में सबसे पहला हम लोग उसको डिस्कस कर लें क्या हो सकता है। जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन कब डिफाइन होता है? पॉलिनोमियल फंक्शन डिफाइन होता है एवरीवेयर। जैसे हमने देखा था कि जब हमने रेंज निकालने के लिए बात किया था, रेंज निकालने के लिए fx = x² 5, यहाँ पर ये जो है एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। जब इसका डोमेन निकालना होगा तो यह एवरीवेयर डिफाइन होगा, x² + 5 एवरीवेयर डिफाइन होगा। दूसरा है आपको रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन कब डिफाइन होता है? डिफाइन एवरीवेयर एक्सेप्ट those value of variables for which denominator will be 0. यानी रेशनल फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब डिनोमिनेटर 0 हो। जैसे fx = अगर x + 5 / x - 7 है तो ये तभी डिफाइन होगा जब x - 7 0 नहीं हो, और जब x - 7 0 हो जाएगा तो ये डिफाइन नहीं होगा। तो ये होगा फॉर ऑल x belongs to R एंड x - 7 ≠ 0, x ≠ 7 यानी सभी फंक्शन के लिए होगा सिवाय 7 के लिए छोड़ करके। अब इसके बाद हम लोग देखें कि तीसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइंड एवरीवेयर। चौथा है आपका मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन डिफाइन एवरीवेयर। पांचवा है आपको स्क्वायर रूट फंक्शन। अभी हमने पढ़ा स्क्वायर रूट फंक्शन डिफाइन फॉर नॉन निगेटिव। पांचवा है छठा लॉगरिदमिक फंक्शन। लॉगरिदमिक फंक्शन डिफाइन फॉर पॉजिटिव नंबर। सातवां साइन एक्स एंड कॉस एक्स डिफाइन एवरीवेयर। आठवां tan x and sec x define everywhere except odd multiple of π/2. Odd multiple of π/2 यानी कि tan π/2, tan 3π/2, tan 5π/2 पे ये डिफाइन नहीं होगा। नवा है आपको cot x and cosec x डिफाइन एवरीवेयर एक्सेप्ट इवन मल्टीपल ऑफ π/2, इवन मल्टीपल ऑफ π/2 और मल्टीपल ऑफ पाई, मल्टीपल ऑफ पाई यानी कि tan cot पाई, cot 2 पाई, cot 3 पाई ये हमारा डिफाइन नहीं है। तो ये इतने फंक्शन है जिससे आपका लगभग काम चल जाएगा। ये जो है फंक्शन आपको हमने बताया स्क्वायर रूट फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है। ये कब कहाँ डिफाइन होता है उसी हिसाब से हम लोग डोमेन और रेंज निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल fx = दिया है आपको x² + 6, ये कब डिफाइन होगा? अब ये देखना पड़ेगा इसका फाइंड डोमेन एंड रेंज, बोथ फाइंड डोमेन एंड रेंज। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है fx = x² + 6। तो फॉर डोमेन फॉर डोमेन इसको क्या करेंगे कि हम लोग कहेंगे कि ये पोलिनोमियल फंक्शन है एंड वी नो दैट पोलिनोमियल फंक्शन डिफाइंड एवरीवेयर सो इट्स डोमेन इज ऑल रियल वैल्यूज. यानी लिखेंगे हम लोग एफ एक्स विल बी रियल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. यहाँ पर पोलिनोमियल फंक्शन है तो सभी के लिए डिफाइन होगा, जितने भी वैल्यूज हैं सभी के लिए डिफाइन होंगे. इसलिए हमारा जो है डोमेन हो गया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी सभी, यानी कि हम लोग अगर इसमें लिखें तो माइनस से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, यानी सभी वैल्यू के लिए डिफाइन है. मगर जब हम इसकी रेंज की बात करते हैं फॉर रेंज, तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 6. अब वाई इज इक्वल टू हम लोग लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6, तो x इज इक्वल टू क्या होगा y माइनस 6. अब देखें ये स्क्वायर रूट फंक्शन हो गया, और हम लोग देख रहे थे कि स्क्वायर रूट फंक्शन कब डिफाइन होता है, जब ये नॉन निगेटिव होता है. जब नॉन निगेटिव होगा तब ये स्क्वायर रूट फंक्शन के डिफाइन होगा. इसलिए इसका जो है रेंज होगा, है ना, x विल बी रियल कब होगा, रेंज y, ये y कब डिफाइन, y के किस वैल्यू के लिए x डिफाइन होगा, जब ये पूरा वैल्यू अंदर का नॉन निगेटिव हो. तो x विल बी रियल if y minus 6 greater than equal to 0, that means y greater than equal to 6. तो आपका रेंज हो गया y such that y greater than equal to 6 और y belongs to r. अगर हम लोग इसको इंटरवल में लिखेंगे तो 6 to infinity. तो ये है हमारा डोमेन और रेंज निकालने का तरीका. और भी कई तरह के जो फंक्शन होंगे, कंपोजिशन जब फंक्शन का होता है, एक से ज़्यादा जब फंक्शन होते हैं हमारे जुड़े हुए होते हैं, जैसे मान लीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू है आपका एक्स लॉग ऑफ एक्स माइनस 3 और आपको जो है प्लस रूट अंडर 10 माइनस एक्स. अब इसका हमको डोमेन निकालना है, तो ये डोमेन दो फंक्शन का मिल करके एक फंक्शन बना हुआ है, तो हम दोनों फंक्शन के डोमेन को निकालेंगे और उन दोनों को जो डोमेन सेटिस्फाइड करेगा, यानी दोनों में जो कॉमन डोमेन होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा. जैसे ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये जो है स्क्वायर रूट फंक्शन है. हम लोग जानते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन कब डिफाइन होता है, जब ये पॉजिटिव नंबर होता है, और स्क्वायर रूट फंक्शन कब डिफाइन होता है, जब ये नॉन निगेटिव होता है. तो ये एफ एक्स जो है, एफ एक्स विल बी रियल कब होगा रियल, जब x माइनस 3, यानी x माइनस 3 आपका जो है ग्रेटर देन 0 हो जाए, यानी लॉग पॉजिटिव के लिए डिफाइन होता है, तो x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 एंड 10 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अगर ये दोनों एक साथ होगा तभी ये फंक्शन डिफाइंड होगा, अदरवाइज ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा. तो x माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एक्स ग्रेटर देन 3 एंड 10 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, दैट मीन्स एक्स लेस देन इक्वल टू 10. अब ये नंबर लाइन पर देखें 0, 1, 2, 3, यहाँ हियर 10. ये वैल्यू कहता है 3 से ज़्यादा के लिए है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ये वैल्यू कहता है 3 से बड़े के लिए है, और ये कहता है नहीं 10 से छोटे के लिए है. तो दोनों में कॉमन ये वाला पोर्शन है, इसलिए इसका जो डोमेन होगा वो होगा आपको 3 to 10, यानी 3 इंक्लूडिंग नहीं है, 3 एक्सक्लूडिंग है, बट 10 इंक्लूडिंग है. तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, या सेट की भाषा में x सच दैट x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन इक्वल टू 10 एंड x बिलोंग्स टू r. तो ये है डोमेन और रेंज निकालने का तरीका. आपने सीखा आज कि डोमेन और रेंज हम लोग कैसे निकालते हैं, फंक्शन किसे कहते हैं. तो जो फंक्शन आपका जो है उसको डिफाइन किया गया, वहाँ से लेकर के हम लोगों ने देखा कि डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं. आज हम लोग इतने ही रखेंगे, और जो है इसको डोमेन रेंज के बारे में अगर कोई भी किसी भी तरह की उलझन हो, किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, तो आप जो है इस पर डिस्कस करने के लिए आप कमेंट्स बॉक्स में आ सकते हैं, देख सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, और आपको जो है इस पर इसका जवाब स्टडी खजाना के कमेंट्स बॉक्स में मिलता रहेगा. और आप देखेंगे कि कैसे हम लोग जो है फिर फर्दर इसको आगे प्रोसीड करते हैं.